देखिए दोस्तों, पाइप खाली हो गया है। अब उसके बाद अब रिसीव चालान हम लोग को मिलेगा, ये गिनती हो जाएगा पाइप तब। तो अभी तक थोड़ा वेट करते हैं, फिर जाएंगे खाना नाश्ता करने के लिए। उसके बाद जाना है सिलीगुड़ी दोस्तों, सिलीगुड़ी में हम लोग का लोडिंग होगा। सिलीगुड़ी से जाएंगे आसनसोल, खाली करने दो जगह का माल है। सबको प्यारी सी गुड मॉर्निंग और नायब ब्लॉग में स्वागत है। तो अभी दोस्तों आ गया श्री रामपुर, यहाँ श्री रामपुर बॉर्डर के सामने ही गाड़ी खाली होगा हम लोग का पाइप। तो ये जो पाइप लेकर आए हैं वो अलग 20 फुट का पाइप। अभी बबलू ढाबा जो है, देखिए बबलू ढाबा के पास नहीं है, अभी यहीं फ्रेश व्रेश हो गए। उसके बाद अभी चाय जाएंगे पियेंगे। तो रात भर सो गए थे, 200 किलोमीटर लेकर आया वो साथ। तो अब चलिए चलते चाय पीने। तो दोस्तों हम लोग का चाय आ गया बबलू ढाबा के पास, चाय पी के फिर जाएंगे गाड़ी के पास। चलिए चाय पीते हैं, तो बने रहिए वीडियो में। तो दोस्तों हम लोग पाइप लेके आए थे आपका श्रीरामपुर बॉर्डर के पास, एक टोल टैक्स। अभी मैं बढ़ रहा है आपका श्रीरामपुर से इधर गुवाहाटी जाने के लिए। ये टोल टैक्स जो है इसी के लिए हम लोग लेके आए हैं। ये पाइप अभी खाली होगा, अभी लेबर सब आ गया है, खाली होगा। तब रस्सी जा रहे खोलने के लिए ऊपर में। ये दोस्तों ये टोल टैक्स नया बन रहा है, अभी अभी टोल टैक्स बन रहा है गुवाहाटी जाने के लिए। 4, 5, 6 टोल टैक्स इधर, 300 टोल टैक्स नया बन रहा है गुवाहाटी जाने के लिए। आपका आसाम से गुवाहाटी जाने के लिए 3 टोल टैक्स नया बन रहा दोस्तों। ये रास्ता चकाचक हो जाएगा। ये अभी खाली हो रहा पाइप, देखिए दोस्तों गाड़ी खाली हो रहा है अभी हम लोग का। देखिए दोस्तों गाड़ी खाली हो चुका है, अभी पाइप सब गिनती होगा, उसके बाद ही रिसीव चालान मिलेगा हम लोग को। देखिए दोस्तों अभी नाश्ता देख लीजिएगा, अभी खाना आ गया अभी हम लोग का। खाना ना खा के फिर चलेंगे रिसीविंग लेने। ये दोस्तों हमको यहाँ से रिसीविंग मिल गया, अब जाएंगे सिलीगुड़ी, वहीं पे लोड है। तब चलते हैं, नाश्ता वास्ता तो कर लिए, नाश्ता का खाना खा लिए डायरेक्ट, अब चलते हैं अपना सफ़र में। जलपाईगुड़ी आ गए हैं, अब सिलीगुड़ी जाएंगे। तो यहीं पे अभी गाड़ी लगाए हैं हाईवे का बगल में, वहीं चाय पियेंगे, दुकान है अभी चाय दुकान, वहीं चाय पियेंगे। तो चलते हैं चाय पीने के लिए, बने रहिए। दुकान है चाय का, कपड़ा का। तो दोस्तों चाय कुछ बिस्किट तो नहीं अलग से रख लिया।